वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इस दिन भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था। साल यानी कि 2020 में ये दिन 26 अप्रैल यानी कि आने वाले रविवार को पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन किया जाने वाला कोई भी काम अक्षय हो जाता है, मतलब कि जो कि कभी खत्म नहीं होता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आइए देखें। पर उससे पहले बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डाला करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। अक्षय तृतीया के दिन ये काम ज़रूर करें। अक्षय तृतीया के दिन दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन दान करने से बहुत ज़्यादा शुभ फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन दान करने से उसका कई गुना फल आपको वापस मिलता है। तृतीया के दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें, यह बहुत ही शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में बहुत अच्छा खाना बनाना चाहिए और वो खाना भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये भोग आप अपने मन के अनुसार बना सकते हैं, इसकी कोई बंधी हुई रीति नहीं है। पर भगवान को सात्विक आहार का भोग लगाना चाहिए, मतलब बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले एक हिस्सा गाय के लिए निकाल देना चाहिए और बाकी का हिस्सा परिवार वाले सदस्यों को भोजन की तरह खाना चाहिए। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पूरे मन से करनी चाहिए। इस पावन तिथि के दिन सबसे पहले सुबह नहा धोकर घर के मंदिर को साफ सुथरा करना चाहिए और उसके बाद दीपक जलाना चाहिए और पूरे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अक्षय तृतीया के दिन ये काम बिल्कुल ना करें। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही पावन होता है। इस दिन भगवान का ध्यान स्मरण करना चाहिए। किसी से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने से, वाद विवाद करने से मन दुखी होता है और अशांत होता है। अक्षय तृतीया के पावन दिन पर सात्विक भोजन बनाना चाहिए, भगवान को चढ़ाना चाहिए और प्रसाद के रूप में करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है और अशुभ परिणाम देता है। अक्षय तृतीया के दिन किसी का भी मन दुखी नहीं करें, क्योंकि जिस तरह मन से निकला हुआ आशीर्वाद लगता है उसी तरह मन से निकला हुआ श्राप भी ज़रूर लगता है, इसीलिए किसी को भी दुखी बिल्कुल मत करें। तो ये थी कुछ बातें जो कि अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर करना चाहिए और कुछ बातें जो कि अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।